Very very good morning to all students. Yesterday we discussed the definition of convolution or Waldenberg of two functions, and next we will discuss the convolution theorem. Convolution or Waldenberg of two functions are denoted by f star g, and f star g is defined as f star g equal to 1 upon under root 2 pi minus infinite to infinite f of u g x minus u du. ठीक है, इसी फॉर्म में डिफाइन किया था. और कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या थी अपनी, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f स्टार g इक्वल टू f ऑफ p इंटू g p. f p का मीन्स क्या है, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इंटू फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी एक्स. कल ये प्रूव करवा दिया था, सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्या डेफिनेशन है और कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है. कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ स्टार जी इक्वल टू एफ पी इंटू जी पी, ये तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट था इसका कि फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस एफ एक्स एंड जी एक्स आर एक्सिस एंड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी एक्स. ठीक है, और इसके लिए थ्री कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए. थ्री कंडीशंस यदि सेटिस्फाई होती हैं देन कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस के फूरियर ट्रांसफॉर्म को डिफाइन करोगे. तो इसमें क्या था कि एफ एक्स एंड जी एक्स एंड देयर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आर कंटिन्यूस ऑन द इंटरवेल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, कि एफ एक्स और जी एक्स फंक्शन और इनके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स, ये सभी कंटिन्यूस होंगे. ठीक है, एफ एक्स एंड जी एक्स आर एब्सोल्यूटली इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन दिस इंटरवेल. एंड थर्ड, एफ ऑफ पी एंड जी पी आर द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी एक्स, देन फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ स्टार जी इक्वल टू एफ पी इंटू जी पी. ठीक है, कल इसको थ्योरम को कंप्लीट डिस्कस कर लिया था. नेक्स्ट, पार्सेवल्स आइडेंटिटी. फोर फूरियर ट्रांसफॉर्म नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर फूरियर ट्रांसफॉर्म, इम्पोर्टेंट टॉपिक है. देखो पार्सेवल्स आइडेंटिटी क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है. नेक्स्ट, पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर फूरियर ट्रांसफॉर्म. If capital F P and G P are the Fourier transform of the function F X and G X respectively, clear है सभी को, F P और G P इनके Fourier transform को represent करते हैं, then Parseval's identity के जो दोनों points हैं, इसमें first है minus infinite to infinite F P G star P D P equal to माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ एक्स जी स्टार एक्स डी एक्स. ठीक है, सेकेंड में माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट मोड ऑफ एफ पी स्क्वायर डी पी इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट मोड ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डी एक्स. ठीक है, मोड एफ पी स्क्वायर, इधर मोड एफ एक्स स्क्वायर, एफ पी जी स्टार पी है तो इधर एफ एक्स जी स्टार एक्स. ठीक है, इधर पी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, लिमिट सेम है सभी, इधर एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है. यहाँ पर जो स्टार है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करता है, स्टार सिग्निफाई द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वही है जैसे x प्लस आयोटा वाई है, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आयोटा वाई होगा. तो इसी तरह से यहाँ पर j स्टार p और j स्टार x रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स. ओके, देखो और क्लियर हो जाएगा अभी इसका, प्रूव करेंगे कि कैसे इनको डिफाइन या एक्सप्लेन करोगे. तो ये तो स्टेटमेंट है, एज इट इज लर्न करना है सभी को, कोई भी चेंज नहीं करना है इसमें, दोनों
टर्म्स जो हैं वो लर्न होने चाहिए सबको कि क्या स्टेटमेंट है पार्सेवल्स आइडेंटिटी का. देखो अब ये कैसे फर्स्ट इसको फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे, सेकंड फिर सेकंड को प्रूव करेंगे. सबसे फर्स्ट देखो इसमें जो फर्स्ट पार्ट के लिए सबसे फर्स्ट जी स्टार एक्स फाइंड आउट की करेंगे. ठीक है, जी स्टार एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके राइट हैंड साइड को लेकर चलोगे और फिर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल इसको प्रूव करोगे. ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना है कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड को लेते हुए सॉल्व करोगे. अब यहाँ पर जी स्टार एक्स बी द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जी एक्स. ठीक है, जी एक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यहाँ पर जी स्टार एक्स है. ठीक है, और जी स्टार पी ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है. ठीक है, जी स्टार पी बी द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जी पी एंड जी स्टार एक्स बी द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जी एक्स. ये वैल्यू फाइंड आउट करोगे, देखो कैसे इसको फाइंड आउट करोगे. इन्वर्सन थ्योरम यूज करोगे. बाय इन्वर्सन फॉर्मूला फॉर फूरियर ट्रांसफॉर्म वी फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एक्स. फर्स्ट जी एक्स की वैल्यू सीधे फॉर्मूले से लोगे, जैसे एफ एक्स फाइंड आउट करते हो, जैसे एफ पी को डिफाइन करते हो, तो इन्वर्सन थ्योरम के अकॉर्डिंग एफ एक्स फाइंड आउट करते हो, उसी तरह से जी पी को डिफाइन करोगे तो जी एक्स फाइंड आउट होगा. ठीक है, तो जी एक्स इन्वर्सन थ्योरम से जी एक्स की वैल्यू ये आएगी अपनी. देखो अभी बताते हैं, ये इसका प्रूव है. अब देखो इसको सॉल्व करते हैं. फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी एक्स कोमा पी, इसको नोटेशन जी पी से रिप्रेजेंट करते हो. ठीक है, क्या डेफिनेशन होगी इसकी, वन अपॉन अंडर रूट टू पाई माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट जी एक्स है ये. ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है उसमें क्या होगा, ई रेज टू द पावर आयोटा पी एक्स जी एक्स डी एक्स. ठीक है, जनरल बाय डेफिनेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म वी हैव फूरियर ट्रांसफॉर्म जी एक्स कोमा पी इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट टू पाई माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई रेज टू द पावर आयोटा पी एक्स जी एक्स डी एक्स. ठीक है, अब इन्वर्सन थ्योरम के अकॉर्डिंग जी एक्स फाइंड आउट करोगे. ठीक है, इन्वर्सन थ्योरम के अकॉर्डिंग जी एक्स क्या हो जाएगा, ये एज इट इज और ये भी लिमिट्स एज इट इज रखते हो. ठीक है, ये इधर आ जाएगा, तो इसमें ये जी पी और ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा पी एक्स डी पी. ठीक है, एक्स वेरिएबल इधर लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये पी इधर. ठीक है, तो ये बाय इन्वर्सन फॉर्मूला फॉर फूरियर ट्रांसफॉर्म यूजिंग द इन्वर्सन फॉर्मूला फॉर फूरियर ट्रांसफॉर्म वी हैव जी एक्स इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट टू पाई माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट जी पी इंटू ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा पी एक्स डी पी. ठीक है, क्लियर है. अब देखो फर्स्ट पार्ट प्रूव कर रहे हो, फर्स्ट पार्ट में बताया था. फर्स्ट पार्ट पहले तो ध्यान रखो कि उसमें क्या प्रूव करना है. माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट अपनी ये टर्म्स थी यहाँ पर एफ ऑफ पी जी स्टार पी डी पी इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट. ये पार्सेवल्स आइडेंटिटी का फर्स्ट पार्ट ये था, इसमें बताया था राइट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करोगे. ठीक है, तो मीन्स ये जी स्टार एक्स फाइंड आउट करेंगे, फिर इसकी वैल्यू राइट हैंड साइड में पुट करके सॉल्व करके इसके इक्वल इसको प्रूव करोगे. अब यहाँ पर जी एक्स है. ठीक है, लेट अब नेक्स्ट इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट तो क्या सपोज करोगे, जी स्टार एक्स और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जी स्टार पी. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लोगे, लेट जी स्टार एक्स एंड जी स्टार पी बी द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जी एक्स एंड जी पी. ठीक है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये हो गया, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये लिया है रेस्पेक्टिवली. देन जी स्टार एक्स इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट टू पाई माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट जी स्टार पी. अब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के अकॉर्डिंग इसी को डिफाइन कर रहे हैं,
माइनस आयोटा है तो ये प्लस आयोटा हो जाएगा, ठीक है, ई रेज टू द पावर आयोटा पी एक्स टी पी, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो जी स्टार एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको यूज करते हुए और फिर फाइंड आउट किया है इसको, ठीक है, ये माइनस आयोटा है तो प्लस आयोटा में चेंज हो जाएगा, वही जैसे एक्स प्लस आयोटा वाई है तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में क्या करोगे, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये हो गया। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है जे स्टार एक्स को फाइंड आउट करना। अब राइट हैंड साइड को लेकर चलो और राइट हैंड साइड में ये पुट कर दो जे स्टार एक्स की वैल्यू। तो मेन देखो इसमें यही था कि सबसे फर्स्ट इन्वर्सन थ्योरम को यूज करके जी एक्स फाइंड आउट किया और फिर कॉन्जुगेट जी स्टार एक्स बी द कॉन्जुगेट ऑफ जी एक्स एंड जी स्टार पी बी द कॉन्जुगेट ऑफ जी पी, तो यहाँ से जी स्टार एक्स फाइंड आउट हो जाएगा। राइट हैंड साइड लेकर चलो, ये राइट हैंड साइड है, जी स्टार एक्स की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, ये एज इट इज वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है, जी स्टार एक्स की वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन p को बाहर लो और x वाली टर्म्स को अंदर ले लो, ठीक है, तो g स्टार p बाहर हो जाएगा और एफ एक्स और ई रेस टू दी पावर आयोटा पी एक्स ये हो गया। किसकी डेफिनेशन बन गई यहाँ पर, ये एफ एक्स ई रेस टू दी पावर आयोटा पी एक्स डी एक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, ठीक है, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स को नोटेशन क्या किससे रिप्रेजेंट करते हो, एफ पी से, तो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट g स्टार p ये पूरा एफ पी डी पी, ठीक है। तो यही लेफ्ट हैंड साइड था, तो इसमें राइट हैंड साइड को लेकर पार्सेवल्स आइडेंटिटी का जो फर्स्ट पार्ट है उसको प्रूव करोगे और उसमें जी स्टार एक्स फाइंड आउट करना है अपने को, जी स्टार एक्स फाइंड आउट कर लोगे देन बिल्कुल जो प्रूव है वो इजीली प्रूव कर दोगे। तो ये माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ पी जी स्टार पी डी पी, ये लेफ्ट हैंड साइड अपना यही था, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में देखो क्या प्रूव करना है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट मोड ऑफ एफ पी स्क्वायर डी पी इक्वल टू मोड ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डी एक्स,